No. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अ लिटिल कंटेक्स्ट, डैड के साथ मैं यहाँ पर आया था उनकी बाइक पिकअप करने, क्योंकि वो काम पर निकल जाते हैं और हफ्तों हफ्तों भर दिन दिन भर गाड़ी यहाँ पर ही रहती है पेएन पार्क में। तो अभी बज रहे हैं 5:30। 5 बजे मैं पपीज़ को दिखाया था आपको सुबह, दे आर स्टिल स्लीपिंग। उनको थोड़ा सा डेलाइट आने के बाद ही खाना खिलाऊंगा मैं। अब तो पेट्रोल भरकर मुझे घर निकलना है, ठंडी भी लग रही है, लेकिन ठंडी कम हो गई है पुणे में काफ़ी। लास्ट वीक इट हैड ड्रॉप टू 8.8 डिग्रीज, लोएस्ट इन अ लॉन्ग टाइम। अब उतनी ठंडी नहीं है, उसकी वजह से तो बीमार पड़ गया था मैं। एक दिन ठंडी पड़ गई और मैं बीमार पड़ गया। चलो सोसाइटी तो पहुंच गए हम लोग। बाय द वे, ये पपीज मिलने के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड स्वीट सा स्टोरी है, कोइंसिडेंटल स्टोरी है, जैसे मेरे साथ हमेशा होता है। ये क्या है? आई थिंक आई शुड वेट अ लिटल मोर, अभी भी ब्राइट हुआ नहीं है, डे लाइट आया नहीं है बाहर। मॉम भी सोई हुई है। ओह, दे आर क्राइंग। अरे भूख लग गई शायद इनको। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कोई पपी को फीड कर रहे हो तो 70-30 का रूल याद रखना, 30% मिल्क एंड 70% वाटर, क्योंकि काओ मिल्क उनको डाइजेस्ट होता नहीं है। देखो मेरी पपी भी आ गई। होपी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई टेक यू फॉर अ वॉक आफ्टर वी फीड देम, ओके? क्या प्लानिंग करूंगा यार। अरे बाप, ओए। चलो वन बाय वन। चलो 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 चलो, अंदर 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 अंदर। अरे 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 कितने हैं? 4। अरे सब भारी निकलते जा रहे हैं। सबर सबर सबर, कल शाम को सोसाइटी के बच्चे भी थे तो इजी हो गया था काम। अरे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टोरी टाइम। आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सो जो पपीज मुझे मिले हैं उसका एक्चुअल में मेजर उसकी आईसी कितनी सी। हाँ, जो मेजर एज आई वाज सेइंग, और इन्होंने इंटरप्ट कर दिया मुझे बैंग करके मेरे पैर में, ही इज द रीजन आई फाउंड द पपीज। सो माई ओल्ड व्यूअर्स या जिन्होंने पुराने वीडियोज देखे रिसेंटली, उनको पता है कि वो है कौन वो डॉग। हिज नेम इज पंटर। हम यहाँ पर पहले वॉक के लिए आते थे होप को लेकर, एंड दे यूज टू प्ले टुगेदर, बट देन वी स्टॉप्ड आफ्टर द होल होप ड्राउनिंग इंसिडेंट। वो जो पूल में वो गिर गई थी, उसके बाद से यहाँ पर आना मैंने बंद कर दिया। बट द पूल इज़ नाउ ड्राई एंड आई थिंक बंद पड़ा है, 2-3 महीनों से बंद पड़ा है, तो इसलिए मैं यहीं पर आने लगा, घर से पास है ये। ओके, मच बेटर कैमरा एंगल, आई डोंट हैव टू कीप वॉकिंग अराउंड एवरीवेयर। गेटिंग बैक टू द स्टोरी, 2 डेज अगो होप को मैं यहाँ पर वॉक पर लेकर आया था, एंड यूजुअली पंटर इज ऑलवेज समवेयर हियर। ये एरिया में होता है, पीछे वाले एरिया में होता है, दिख जाता है हमको यूजुअली, बट दैट डे वी कुडंट फाइंड हिम। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, अगर पंटर है तो होप का वॉक बहुत अच्छा जाता है, बिकॉज दे कीप प्लेइंग अराउंड, दे कीप रनिंग अराउंड। अगर पंटर नहीं होता है तो वॉक का ड्यूरेशन भी छोटा हो जाता है, क्योंकि वो बोर हो जाती है एक पॉइंट पर, एंड दैट इज वॉट हैपेंड ऑन दैट डे। पंटर हमको मिला नहीं, हम यहाँ पर आए, हाफ एन आवर होप रन अराउंड, शी वॉज प्लेइंग, बट देन शी गॉट बोर्ड एंड शी सैट डाउन ओवर हियर। फिर मैंने सोचा यार ठीक है, दोपहर का टाइम है, मुझे भी बोर हो रहा है, ये भी बोर हो गई है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं। सो वी गो आउट, वी सेट ऑन द बाइक,
हम बाइक लेकर आगे निकलते हैं. सरप्राइजिंगली आई सी पंटर राइट इन फ्रंट ऑफ अस स्टैंडिंग ऑन द रोड. तो मैं बोलता हूँ यार ठीक है चलो टाइम है, फ्री टाइम बचा हुआ है, इनको खेलने देते हैं. सो आई अनलीश होप एंड दे रन अवे लाइक दे डिड टुडे. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स ओवर हियर. अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो मेरी बाइक जो है मैं जहाँ पर पार्क करता हूँ दैट्स राइट ऑन द टर्निंग. सो जो मेन रोड है वहाँ से एक लेफ्ट टर्न हम लोग लेते हैं टू कम टू दिस प्लेस. सो आई पार्क माई बाइक राइट ऑन द टर्निंग और मैं और कहीं पार्क नहीं करता हूँ गाड़ी. बट इंटरेस्टिंगली दैट डे आई डिसाइडेड कि थोड़ा आगे जाकर गाड़ी पार्क करता है बिकॉज आफ्टरनून का टाइम था, धूप काफ़ी थी. तो मैंने सोचा शेड के नीचे गाड़ी लगाते हैं हम. सामने ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा, और वहाँ पर काफ़ी शेडी एरिया था. सो वी गो देयर, आई पार्क माई बाइक. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने इतने एज पे गाड़ी लगा दी कि जो पेबल्स थे पेबल के ऊपर मेरा स्टैंड लग गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मैंने गाड़ी का वेट उस पर छोड़ दिया पेबल मूव हुआ एंड गाड़ी का बैलेंस भी चला गया. सो एज आई लूज माई बैलेंस एक बुश को मेरा हाथ लग जाता है गलती से. एंड देन आई स्पॉट समथिंग ब्लैक कॉर्नर ऑफ माई आई, एक छोटा सा ब्लैक कुछ तो मूव होते हुए मुझे दिखता है. सो व्हेन आई लुक अराउंड, व्हेन आई टर्न अराउंड, आई सी वन टाइनी लिटिल पपी लुकिंग एट माई फेस. अब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार ये अकेला पपी कहाँ से आया, ये क्या कर रहा है यहाँ पर. आई मूव अवे द बुशेस, आई स्टेप इन टू चेक दैट पपी आउट. मैं थोड़ा सा राइट में देखता हूँ तो साले 7 और बैठे हैं और मुझे घूर रहे हैं. अब आप सोच रहे होगे कि उनकी मम्मी भी कहीं आसपास ही होगी. नहीं थी. चेक किया मैंने, मैं वो दिन रुका, शाम को फिर से गया जस्ट टू गिव देम मिल्क. आई डिड नॉट सी द मदर. मैं एक और दिन रुका, नेक्स्ट डे आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग 3 बार गया उनको खाना देने, एक बार भी उनकी माँ मुझे मिली नहीं. अब ऐसे सिचुएशन का प्रॉब्लम यह है दैट 8 मदरलेस पपीज सो यंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज नेक्स्ट टू जीरो बिकॉज इट्स आउट इन द वाइल्ड. यहाँ पर स्नेक्स भी है, यहाँ पर दूसरे डॉग्स भी है, तो सर्वाइव करने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं. इफ यू गाइज रिमेंबर इनू मीनू, उनके टाइम भी कुछ ऐसा ही सिमिलर हुआ था. तब डिफरेंस ये था कि मैं अकेला उनको हैंडल कर रहा था, मॉम डैड भी इतने सपोर्टिव नहीं थे इनिशियली कि उनको घर पर लाना है, उनका थोड़ा संभालना है उनको, थोड़ा हुआ नहीं. तो इनू मीनू का स्टोरी मुझे एक्चुअली काफ़ी डिस्ट्रेस में डालकर चला गया था. जो परसों जो इंसिडेंट हुआ ये सेम इमोशंस मेरे थ्रू फिर से आकर गए कि अब मैं क्या करूँगा, अब कैसे करना है, मुझसे नहीं होने वाला, आई कांट डू दिस, आई हैव टू गिव अप, आई कांट गेट अटैच्ड. कल मैं यहाँ पर फिर से उनको दूध पिलाने आया, दैट इज़ व्हेन माय मॉम कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी टू गेट ऑल द पपीज टू द सोसाइटी. नाउ नेचुरली आई वॉज अ लिटिल वरिड क्योंकि मुझे नहीं पता था सोसाइटी वाले कैसा रिएक्ट करेंगे और मैं फोन पर मॉम से बात कर रहा था. सो आई हैड नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग बैक देयर. कुछ मुझे नहीं पता था. एक करके मैंने तीन राउंड लग गए मुझे, सारे पपीज को यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया और उसके बाद का वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा. ब्लू आइज़ा उनके दूसरे जो ब्लैक है ना, ब्लैक में से भी किसी का तो ब्लू है.
डॉग पार्टी चालू है पूरा इधर। हाँ ना एक हफ्ता। हाँ एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। उनका भी नाखून नाखून के सीरियल सुसु कर रहे हैं जैसे मैंने बोला था। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक सबका शुरू हो गया। अरे 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 कपड़े के नीचे। अरे बिल्ली बन गया क्या तू? म्याऊ म्याऊ कर रहा है। म्याऊ म्याऊ वो दूसरे तीन बाहर कहीं तो है, पता नहीं कोई टेबल के नीचे कोई बेडरूम में मेरा मोजा खा रहा है। दो लोग चल क्या रहा है? होपी कंफ्यूज्ड है इधर। होपी कब यहाँ कब यहाँ? सो वी गेव अप। ड्रॉपर से देना बंद हो रहा है भाई। वी ट्राइड बोल से पी रहे, फर्स्ट डे पे बोल से नहीं पी रहे थे इसलिए ड्रॉपर से देना पड़ा वही। बट नाउ ए इधर कहीं से पी रहे ढूंगी इधर। अच्छा जगह ही नहीं है, रुक। हाँ इधर नीचे 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 देख वो पाँच 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 उसको देख ना, उसको हो गया है शायद। अरे वो अपना मुंह पोछ रहा है। अरे एक्चुअली एटिकेट्स ब्रो। वाओ कौन बोलता है देसी स्मार्ट नहीं होते? स्मार्टेस्ट है ये तो। चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सगली ना है ना आता।